अक्सर छात्रों के मन में यह भावना जल उत्पन्न होती है जब वह क्लास टेंथ क्रॉस कर जाती है। कक्षा टेंथ क्लास टेंथ क्या कर जाती है, वह क्रॉस कर जाती है, तब उनके मन में सबसे बड़ी समस्या यही उत्पन्न होती है कि 11वीं 11th व 12th हम किस सब्जेक्ट से करें। तो इस सब जानकारी को देखने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखें, जैसे कि आपको पता है कि टेंथ के बाद निम्न सब्जेक्ट से अपन आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। टेंथ के बाद हम 11th और 12th इन 5 सब्जेक्ट से अधिक से अधिक स्कूल में प्रोवाइड रहती है। पहला है मैथ, बायो, कॉमर्स, आर्ट और एग्रीकल्चर। तो यदि आप शिक्षक लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, शिक्षा विभाग ज्वाइन करना चाहते हैं, किस विभाग को शिक्षा विभाग ज्वाइन करना चाहते हैं, शिक्षा विभाग को, यदि आप शिक्षा विभाग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जानबूझकर किसी भी कीमत में बायोलॉजी ना लें। क्यों ना लें? क्योंकि जैसे कि अभी आपको पता है, जो व्यक्ति शिक्षा विभाग से जुड़े हुए होंगे उन्होंने देखा होगा कि एमपी टेट वर्ग 2 में बायोलॉजी के जो कुल पद थे वह 50 आए थे, ओनली 50 पद आए थे। तो ऐसे में जो कंपटीशन है बहुत कड़ी हो जाती है और आगे चलकर तो और अधिक प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए यदि आप शिक्षा विभाग ज्वाइन करना चाहते हैं तब आप मैथ या फिर आर्ट लें, तब आप क्या लें, या तो मैथ लें या आर्ट लें। और यदि आप रेगुलर आगे चलकर रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं और बेरोजगार और नहीं भागना चाहते हैं तब आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तब आप इस स्थिति में बायोलॉजी लें। यदि आप रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आगे चलकर आप क्या लें, बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको बेरोजगार भागना नहीं पड़ेगा। आप फार्मेसी कर लेंगे तो आप आगे चलकर ज़्यादा कुछ ना होगा, तो मेडिकल जो मेडिकल है वह खोल लेंगे और आसानी से अपनी दवाई बेच सकते हैं। फार्मेसी कर लेंगे, कोई भी चिकित्सा से संबंधित डिप्लोमा कर लेंगे तो आप बेरोजगार नहीं भागेंगे, आप क्या अपनी करवा सकते हैं, बेरोजगार। और यदि आप बिजनेस लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तब इस स्थिति में आप क्या लें, तब आप 11th कॉमर्स करें यदि व्यापार करना चाहते हैं। और यदि आप कोई बड़ी जॉब करना चाहते हैं तब आप जैसे PSC है, MBPSC, UPSC है, तब आप क्या लें, आर्ट लें, क्योंकि इन विभागों में अधिक से अधिक GK होती है। यदि आप खेती करना चाहते हैं तब इस स्थिति में आप खेती ज्वाइन करने के लिए आप एग्रीकल्चर लें, खेती के लिए आप क्या लें, एग्रीकल्चर। तो आपने देखा होगा कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेटर रहेगा 11th व 12th में। यदि शिक्षा विभाग ज्वाइन करना चाहते हैं तब मैथ लें या फिर आर्ट लें। यदि आप बेरोजगार नहीं भागना चाहते हैं इस स्थिति में आप बायोलॉजी लें, इस स्थिति में क्या लें, बायोलॉजी, जिससे आप आगे चलकर कोई भी शिक्षा चिकित्सा संबंध डिप्लोमा कर लेंगे और रेगुलर पढ़ाई करेंगे तब। अगर बेरोजगार भागना नहीं चाहते हैं और रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तब आप बायोलॉजी लें, जिससे आप कोई भी चिकित्सा संबंधित डिप्लोमा कर लेंगे और थैला छापना बन जाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकेंगे। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं, तब आप कॉमर्स लें। और यदि आप खेती में रुचि है तब आप एग्रीकल्चर लें। और बड़ी कोई जॉब करना चाहते हैं, MPPSC, UPPSC, तब आर्ट लें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियो की सबसे पहली जानकारी आप तक पहुंच सके। जय माता दी साथियों।